जैसा कि दोस्तों आप लोग वीडियो का थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे बोया M1 माइक के बारे में और उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। और मैं अभी ईयरफोन से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और बोया M1 की जब वॉइस मैं बोलूंगा तो आप बताना उसकी वॉइस अच्छी है या ये हमारी जो पुरानी ईयरफोन चल रही थी या उसी की। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम आनंद दुबे। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये हमारा फ्लिपकार्ट से आ गया है तो फिर इसकी आज अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें आप जानते ही हैं, मैंने बता ही दिया आपको, इसमें बोया का माइक है। तो फिर आइए कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं। इसको मैंने पहले से खोल दिया है। यहाँ पर कुछ मेरा एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर कुछ हमारे रेट हैं जो कि इसमें तो लिखा है 821 रुपये का आया हुआ है। तो फिर इसको ओपन करते हैं। ये ओपन तो मैंने पहले ही कर दिया था क्योंकि खोल के देख लिया था कि सही सलामत है या नहीं। तो फिर अब दोबारा से अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो कुछ ये डिब्बा है, कुछ साइड से हटाते हैं। इसके बाद में कुछ इसकी कंडीशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं आराम से और मेरे को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर कुछ बैटरी लो टेम्परेचर वाट बैटरी इसकी सही है, यानी कुछ यहाँ पर बोया है M1 का माइक है यानी कि। तो फिर इसको ओपन करते हैं। इसके बाद में कुछ ये निकला इसका कवर, इसको भी साइड में रखते हैं। इसके बाद में ये लीड दी गई है, इसको आप अपने मशीन यानी कि जो डीजे की मशीन होती है उसमें यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ पेपर वर्क यानी कि टेबलेट दिए गए हैं जो आप खा के अपनी आवाज़ बहुत ही सिंपल से निकाल सकते हैं। और इसके बाद में कुछ ये पेपर वर्क दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से अपने यूज करने के लिए। तो फिर वो आप पढ़ सकते हैं। तो फिर इसको भी साइड में रखते हैं। इसके बाद में अपना निकालते हैं बोया M1 का माइक, तो इसको भी साइड में रखते हैं। तो ये रहा हमारा बोया M1 का माइक। तो इसके बाद में यहाँ पर कुछ सेल डालना होता है। इसके बाद में जैसा कि मैंने ये खोल लिया है, इसके बाद में कुछ एक सेल भी दिया गया था इसमें का किसने इसमें दिया गया होगा। तो फिर इसको इस तरह से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए सेल, और इसमें कुछ और है लगता है। ये निकला है, इसको इस साइड में यहाँ पर लगाया जाता है। इसको यहाँ पर लगा लें आप और इस सेल को इस साइड में इस तरह से इसको इस साइड से लगा लें। जैसा कि मैंने लगा लिया है, मैं अभी आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा। और अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो, वो ईयरफोन से बना रहा हूँ। तो ये माइक को इस साइड में अपने कॉलर में लगा लें और इसको ना मोबाइल में लगा लें। और यहाँ पर सबसे मेन बात ध्यान रखें, ये है यहाँ पर ये कैमरा ऊपर है, ऊपर साइड में करने से ये हो गया कैमरे से और नीचे हो गया स्मार्टफोन। ये आपका नीचे स्मार्टफोन, ये बात ध्यान रखें। जब स्मार्टफोन से आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो इसको नीचे कर लें तो स्मार्टफोन से आ जाएगा, ऊपर करोगे तो कैमरे से रहेगा यानी कि अपने DSLR से। तो फिर ये बोया M1 की आपको आवाज़ भी सुनाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बोया M1 का माइक अपने मोबाइल से ऐड कर लिया है, तो आप बताइए अब मेरी आवाज़ कैसी लग रही है। और इस माइक को हटा इसको सॉकेट को हटाने के बाद में अब मेरी आवाज़ कैसी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताएं आवाज़ मेरी पहले अच्छी लग रही थी या अब अच्छी लग रही है। तो फिर हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।